हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लजीज़ा खीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और यमी सी बनती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर मिल्क, और मिल्क आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क पैक का फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो यूज़ किया है। आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपने ले लेना है खीर मिक्स लजीज़ा का, और बहुत ही मज़े की ये बनती है और क्विक सी रेसिपी होती है। और अगर आपने जल्दी में कुछ मीठा बनाना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है कि आप इसको ज़रूर बना लीजिए। तो इसमें आपने ये करना है कि 1 लीटर मिल्क के अंदर एक ही पैकेट जो पूरा है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको ऐड करके आपने हल्के हल्के हाथों के साथ इसको हिलाते रहना है। ठंडे दूध में नहीं डालना, थोड़े से नीम गरम से दूध में आपने इसको ऐड करना है, और फिर साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो दूध जो है वो उबल जाएगा और आपका जो मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा सारा। तो इसलिए आपने चम्मच जो है उसको लाजमी हल्के हाथों से हिलाते रहना है। इसके साथ ही हमें 4 से 5 इलायची जो हैं उनके दाने बीज जो होते हैं उसको निकाल के उसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है और अच्छा हो जाता है, और खुशबू जो है इलायची की वो बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद अब आप इसको बॉईल करें, और आपने उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक कि ये मिल्क जो है थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता। और इनफैक्ट आपने इसको तकरीबन, अगर 1 किलो मिल्क है तो आधा किलो के करीब ही रह जाता है जब ये पक जाता है। तो इतना आपने इसको पकाना है कि ये थोड़ा थिक टेक्सचर इसका जो है वो आ जाए। बहुत ज़्यादा पतली खीर जो है वो अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा अगर आप उसको हार्ड कर दें तो भी मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से आपने इसकी लाइट सी, इस तरह सी कंसिस्टेंसी जो है इसकी आपने रखनी है। तो इसको अब तकरीबन ये हमारी रेडी है, इसको मैं कर देती हूँ डिश आउट अपने बोल में, जिसमें भी आपने सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए भी आपने जिस भी बोल में करना है उसमें आप सर्व करने से पहले इसको तकरीबन 2 घंटे पहले आप इसको बना लीजिए। उससे ये होगा कि ये ठंडी होकर ज़्यादा अच्छी भी लगती है, और दूसरा ये है कि ये अच्छे से आप इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बिल्कुल पतली नहीं रहती है। तो इस तरह से अब हम इसको कुछ देर के लिए जो है वो रख देंगे। और यहाँ पे ठंडा होने के बाद अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ गार्निश। आप किसी भी चीज़ के साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी सारी जो चीज़ें होती हैं, चीनी और इसके अलावा नट्स वगैरह जो हैं, सब कुछ इसके अंदर एडिड होता है। तो अगर आपको चीनी बहुत आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ इसमें बहुत ही मुनासिब सी चीनी ऑलरेडी एडिड होती है तो एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एंड पे आप इसको बादाम के साथ, जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं उसके साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कल तक की रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।